आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा इंतजामिया के एक और फैसले की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी, दरअंदाजी और मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए इंतजामिया सख्ती बरतने की कोशिशें लगातार कर रही हैं। इसके बावजूद भी मुतअद्दिद मकामात पर हमने देखा कि मंशियात भारी मिकदार में जब्त होना या पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद भी किस तरीके से स्मगलर्स वादी कश्मीर हो, जम्मू सूबा हो, मुख्तलिफ अजला के अंदर सरगर्म है। इन सारी चीजों पर नकेल कसने की कोशिशें तेज हो रही हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह का 1.5 माह कबल आया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज मिलिटेंसी के बाद अगर तो जो है तो वो नारकोटिक्स है, वो टेररिज्म जिसको वो नारकोटिक्स का नाम देते हैं, लेकिन चाहे वो सरहद के पार हो या सरहद के इस तरफ हो, दहशतगर्दी के बाद अगर कोई बड़ा चैलेंज एजेंसीज के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए या आम शहरियों के लिए है, तो डीजीपी के बयान के मुताबिक वो मंशियात है, मंशियात के स्मगलर्स हैं, उन लोगों पर नकेल कसना जरूरी है। इसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है सरहदों को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर, और शुरुआत इस खबर के साथ कि वादी कश्मीर के अंदर शुमाली इलाका जात में 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए 26 बॉर्डर पोस्ट चौकियां कायम करने का फैसला लिया गया है, ताकि न सिर्फ मंशियात की स्मगलिंग रुके बल्कि सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी पर नजर रखी जा सके, सरहदों की सही तरीके से, सही मायनों में हिफाजत हो, निगरानी हो, और सरहदों तक जिन लोगों की रसाई है उन पर भी नजर रखी जा सके। लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चौकियां कायम की जाएगी, 20 से ज्यादा पुलिस एहलकार होंगे जिनको ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब इलाके कौन कौन से हैं जिनकी निशानदेही हुई है, ये बताने के लिए फैसल रियाज श्रीनगर से हमारे साथ हैं। फैसल, बताइएगा क्या क्या इस फैसले में खास होगा, और मकसद सिर्फ ये है कि शुमाली इलाका जात से, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, तीनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन क्या मकासद इस फैसले के पीछे ये है कि मंशियात की स्मगलिंग रोकी जाए कि या बाकी चीजें भी, और पुलिस के अलावा किस किस का रोल रहने वाला है इन चौकियों को कायम करने के बाद? कहा कि पुलिस के जो सरपर है दिलबाग सिंह, उनके उन्होंने क्लियर बात की है कि मिलिटेंसी के बाद कोई बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर को है या पूरे मुल्क को है, वो नार्कोटिक्स से यानी नार्को टेररिज्म जो उरूज पे देखने को मिल रहा है। खासकर बॉर्डर्स की बात करें तो आए दिन चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हथियार छोड़े जा रहे हैं या ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे फोकस करने के लिए जो है ये बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो है कायम किए जा रहे हैं, जिनका मेन फोकस नार्को स्मगलिंग रहने वाला है। उसके साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग भी है, यानी क्या कुछ मूवमेंट बॉर्डर के उस पार हो रही उस चीज को भी एग्जामिन करना, उसकी इसकी भी रिपोर्ट बनानी, उसके साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन जो है, हालांकि काफी ज्यादा कमी इन्फिल्ट्रेशन में आई है लेकिन अभी भी हो रही है। खासकर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि जो ड्रोन्स के जरिए इन्फिल्ट्रेशन सामान जो है पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे, उस चीज को रोकने के लिए, और जो बॉर्डर आउटरीच है यानी जो बॉर्डर के इलाके हैं उनके लोगों की रसाई के लिए ये पोस्ट जो है की जा रही है। खासकर इसमें जो है फोकस रखा गया है वो नार्कोटिक्स ही रखा गया है, क्योंकि आए रोज आप देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया जो है हमारे, चाहे वो बांडीपुरा की बात हो, बारामूला की बात हो, कुपवाड़ा की बात हो, वहां पे आए रोज इसके जो ड्रग्स की जो खपत है उसको सीज किया जा रहा है, उसको अटैच किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। तो जो मेन फोकस इन बॉर्डर पुलिस पोस्ट का रहेगा वो यही 3 डिस्ट्रिक्ट में, केरन सेक्टर की बात करें, माचिल सेक्टर की बात करें, गुरेज की बात करें, या जो टंगडार का एरिया है, इसके साथ साथ उरी का एरिया है, इन इलाकों में जो है 26 बॉर्डर पुलिस पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां पे करीबन 20 पुलिस एहलकार रहेंगे और एक सब इंस्पेक्टर की सरबराही में सारा कुछ मामला होगा। इसके साथ साथ जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां बॉर्डर पे काम करती है, चाहे वो BSF की बात करें या बाकी जो ITBPs है, वो पूरी तरीके से पुलिस बॉर्डर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और उसके साथ साथ जो कुछ भी मामला बॉर्डर्स के हवाले से होगा वो जो है वो सामने रखा जाएगा। ये जो हुक्मनामा है या जो ये अप्रूवल है ये MHA की तरफ से दिया गया, और करीबन पैसे भी इसके हवाले से वागुजर होने वाले हैं, जो कि 84 लाख की बात आ रही है, 84 लाख जो इसके हवाले से वागुजर की जाएगी, जिनकी कंस्ट्रक्शन होगी इन पैसों से, तो उसके बाद ये जो है वहां पे फंक्शनल होगा। तो आपको मैं बता दूं कि हाल ही में एक अहम, हम कह सकते हैं 45 करोड़ रुपए के जो ड्रग्स है वो जब्त किए गए थे बॉर्डर एरियाज में, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो MHA है उन्होंने ये फैसला लिया है कि जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं या दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि नार्को टेररिज्म अभी एक बड़ा मसला बना हुआ है, कहीं ना कहीं टेररिज्म के साथ साथ नार्कोटिक्स को भी हैंडल करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि बॉर्डर पुलिस पोस्ट कायम किए जाए, ताकि जो सारा मामला जो बॉर्डर पे होता है उस पर कड़ी नजर रखी जाए, चाहे वो इंफिल्ट्रेशन के हवाले से हो या जो ड्रोन्स वहां से आ रहे हैं फिर यहाँ पे वेपन छोड़ते और फिर वापस चले जाते, उस चीज को रोकने के लिए। और खासतौर का जो बताया जा रहा है कि एक इंटेलिजेंस
गैदरिंग वहां पे होगी, यानी बॉर्डर के उस पार जो कुछ भी मूवमेंट होती है या बॉर्डर के इस पार जो मूवमेंट होती है उस पे पूरी नजर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। और फिलहाल अभी ये ऑर्डर आया है, कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, कब तक ये बॉर्डर पुलिस पोस्ट कायम हो किए जाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक चीज और भी जो मैं देख पा रहा हूँ फैसल, वो ये शहरियों तक रसाई भी एक मकसद है, तो क्या आम शहरियों को भी इस कैंपेन में एंगेज करने की कोशिश है प्रपोजल में, इस तरह की कोशिश? देखिए जो प्रपोजल बना हुआ है इसमें क्लियर तीन चार पॉइंट्स जो है मेंशन किए गए हैं, जिस तरह से नार्कोटिक्स की बात की गई, इन्फिल्ट्रेशन की बात की गई, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात की गई, और लास्ट में इस बात पे भी फोकस किया गया जो पब्लिक आउटरीच होगा उस पर भी फोकस किया जाएगा, यानी जो वहां के शहरी है उनको जिस किसी तरीके भी अगर रसाई चाहिए थी वो इसके पास आ सकते हैं, उनको मिल सकती है। जिस तरीके से प्लेन एरियाज में या श्रीनगर हो बाकी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की रसाई हासिल होती है आम लोगों को, या आम लोगों की रसाई पुलिस को जरूरत होती है, तो इसी तरीके से एक माहौल वहां पे भी बनाया जाएगा जो कि कोऑर्डिनेटिव तरीके से या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से म्यूचुअल एफर्ट से जो ये सारे मामले बॉर्डर पे जो होते हैं इनके निपटा जाए, यानी एक बाजाबता तौर पर एक स्ट्रेटजी बनेगी आम लोगों के साथ या जो बाकी सिक्योरिटी फोर्स वहां पे है उनके साथ एक स्ट्रेटजी बनेगी, म्यूचुअल प्लान बनेगा, उसके बाद ही इन चारों पॉइंट्स पे जो है काम किया जाएगा, खासकर जहां तक नार्को टेररिज्म की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही थी, तो 26 बॉर्डर पोस्ट कायम करने का ये जो सिलसिला है वो शुरू होगा उड़ी बारामूला के अंदर, मचिल कुपवाड़ा के अंदर, गुरीज बांडीपुरा सेक्टर के अंदर, टंगधार के अंदर भी, और ये वो मकामात हैं जो बिल्कुल जीरो लाइन यानी टच करते हैं उस हद मुतारका को जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान